एक जून से लेके एक अक्टूबर तक कोई भी घर हो, इलीगल हो, कोई भी हो, आप हाथ नहीं लगा सकते। कानून ये कहता है कि 2000 के पहले के झूठे हैं कि इसको सरकार ने सुरक्षित घोषित किया। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुम्बरा बाईपास से लगकर अंबेडकर पाड़ा इलाके में फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। यहां पर हजारों लोगों का घर तोड़ दिया गया है कार्रवाई करके। करीब 1.5 महीने से यहां पर कार्रवाई रुक रुक कर की जा रही है और ऐसे में कल जो है यहां पर अंबेडकर पाड़ा इलाके में कलबा मुम्बरा के जो विधायक है जितेंद्र वाट ये पहुंचे थे और यहां पर इन्होंने जमकर बयानबाजी की। इन्होंने कहा कि किसी के बाप की जगह नहीं है, मैं यहाँ गार्डन बनाऊंगा, मैं यहाँ वो बनाऊंगा, क्या तेरे बाप की जगह है। साथ ही ये भी कहा कि मैं किसी को भी रास्ते पर नहीं आने दूंगा, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि यहाँ पर हजारों लोगों के घर टूट गए हैं और लोग रास्ते पर आ गए हैं। जिस तरह से कल यहाँ पर कलबा मुम्बरा के विधायक जितेंद्र वाट पहुँचे और बयान दिया कि इन गरीबों की लड़ाई मैं लड़ूंगा, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से ये बयान अब विधायक जितेंद्र अहवाड दे रहे हैं, जब 1.5 महीने से रुक रुक कर यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई थी तो विधायक जितेंद्र अहवाड को पीड़ितों से मिलना चाहिए था। हो सकता था ये कार्रवाई टल सकती थी, कुछ इसका हल निकल सकता था, मगर करीब 1.5 महीने से रुक रुक कर कार्रवाई इस इलाके में जारी है और हजारों लोगों के अब घर जो है तोड़ दिए गए हैं, ज़मींदोज कर दिए गए हैं। लोग खुले आसमान में यहाँ पर जो है रात और दिन गुजार रहे हैं और ऐसे में कल यहाँ पर कलबा मुम्बरा की विधायक जितेंद्र अहवाड पहुँचे। यहाँ पे जो झूठे हैं 95 के पहले के ये गरीब लोग हैं और कानून ये कहता है कि 2000 के पहले के झूठे हैं तो इसको सरकार ने सुरक्षित घोषित किया, आप उसको तोड़ नहीं सकते। दूसरी एक बात ऐसी है कि गवर्नमेंट का कानून कि 1 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक कोई भी घर हो, इलीगल हो, कोई भी हो, आप हाथ नहीं लगा सकते। बारिश में आप किसी को बेघर नहीं कर सकते। कानून इनके लिए है, हमारे लिए भी। ये अगर कानून हाथ में लेंगे तो गलत हो जाएगा। आज मैं पहली बार आया हूँ, मैं किसी गरीब को रास्ते भी नहीं आया। सर पीछे अंबेडकर पाड़ा वहाँ पे 30-30 साल पुराने भी घर तो वो भी तोड़े गए सर। तो वही है ना, मैं अभी आज आया हूँ, मैं ऐसे किसी के बाप की जगह नहीं है। मैं गार्डन बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, तेरे बाप की जगह है क्या? अभी कार्रवाई रुक गई सर, वो है नहीं, मैं राह देख रहा हूँ। सर आपने यहाँ के लोगों से बात किया कुछ, उनका क्या सर क्या लोग क्या कहेंगे? इतने से झोपड़े वाले, झोपड़े में रहने वाले गरीब लोग क्या कर सकते? इनके लिए तो हमको ही लड़ना, गरीबों की लड़ाई हमने लड़नी चाहिए, गरीब नहीं लड़ सकते। मैं लड़ाई लड़ूंगा।